में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से आप तक पहुंचा दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। सीएम हाउस में ये कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। विभागीय बैठकों में जो एजेंडा शामिल होने वाले हैं उनको लेकर के बातचीत हो सकती है। राजभवन में लंबित विषयों पर भी चर्चा संभव है इस बैठक के दौरान। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से मॉनसून सत्र को लेकर के जो शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई जानी चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब ये सीएम हाउस में बैठक होगी और इसमें कई जो पेंडिंग मुद्दे थे उन पर भी चर्चा संभव है इस बैठक के दौरान। और इसके साथ ही जो भी विभागीय बैठकों में एजेंडा शामिल रहेंगे उनको लेकर के चर्चा हो सकती है। और राजभवन में जो तमाम विषय है जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े थे उनको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। रायपुर से जानकारी साझा कर रहे हैं आप तक। 20 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। तो वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में लंबे समय से पेंडिंग पड़े जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, जिस तरीके से ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि मॉनसून सत्र को देखते हुए भी अहम बैठक मानी जा रही है, तो क्या कुछ इसमें बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल संगीता, जिस तरह से विधानसभा का सत्र है और 26 जुलाई से विधानसभा का सत्र जो है आगाज होने वाला है, ऐसी स्थिति में जो है उस बैठक को लेकर सत्र को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। साफ तौर पर पिछले दिनों चली मैराथन जो विभागीय बैठकों में शामिल एजेंडों पर भी चर्चा होगी। देखिए, इसके पहले भी एक एक करके प्रदेश के जो मुखिया है भूपेश बघेल अलग अलग विभागों से चर्चा की और सभी विभागों के अलग अलग एजेंडे थे। इन एजेंडों में अब तक कितना पालन हुआ है क्योंकि देखिए केवल 7 से 8 दिन बचा हुआ है विधानसभा सत्र में और ऐसे में विपक्ष जब हमला करेगा तो किस तरह से जवाब देना, इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा भी देखिए अनुपूरक बजट जो है वो आने वाला है और अनुपूरक बजट में वित्तीय जो स्थिति जो है प्रदेश की गर्माई हुई, ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट में कितना कम किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ देखिए नए विधायक और 2.5 साल ही विधायक बने हुए, ऐसे में सत्र में किस तरह से सरकार को बचाने का प्रयास करना है, किस तरह से विधायक विपक्ष का जवाब दे, इसको लेकर भी जो है बैठक में चर्चा होगी। जी, इसके साथ ही जिस तरीके से बजट को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें भी वित्त विभाग जो अपना पक्ष रख सकता है उसमें भी कटौती कर सकता है, तो क्या उसको लेकर के भी, क्योंकि वो एक अहम मुद्दा है, तो उसको लेकर के भी क्या कुछ बातचीत सामने आ सकती है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अनुपूरक बजट से जो है वित्तीय संकट गहराने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है और कई प्रस्ताव पर जो है वित्त विभाग अपनी कैची चला सकता है क्योंकि देखिए कोरोना के चलते आर्थिक संकट से प्रदेश वो सामना कर रहा है और मानसून सत्र में जो है अनुपूरक बजट जो है पेश होना है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि 600 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट का जो है वो रहेगा, लेकिन देखिए संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग का अनुपूरक बजट जो है 200 करोड़ का अनुमानित है। ऐसी स्थिति पे अब जो है क्या 200 करोड़ रुपए के जो है स्वास्थ्य विभाग का बजट होगा और बाकी क्या 600 रुपए बाकी जो बचेंगे 400 करोड़ रुपए उसमें क्या सब विभागों की जो स्थिति है वो ठीक हो पाएगी? ऐसी स्थिति में जो है क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा होगा 20 जुलाई को। जी, कैबिनेट की बैठक, क्योंकि देखिए सत्र है, सत्र जी अंकिता आप तक फिर से